हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताशु ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज है 12th of September, तो आज के कुछ प्लान्स है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे तो आप लोग को पता चलेगा। और जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब करो और फिर वीडियो को देखो। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद, मतलब। और अभी बज रहे हैं 7:30 और हमने चाय बिस्किट कर लिया है सबने। और थोड़ी देर में सब नहाने वाने जाएंगे क्योंकि संडे है तो थोड़ा लेट हो सकता है। तो गाइस मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। सैनी नहा धो के रेडी हो चुकी है और कर रही है सेव, सेव कर नहीं रही, सेव खा रही है। आज भी सेव भी खा रहे हैं मम्मी भी। तो मम्मी हाय गाइस बोल दो एक बार सबको। मम्मी आज सुबह से गुस्सा में, आज नहीं बोलेगी हाय गाइस। माइक और काट दे। हाँ तुमको नहीं खा रहे, ठीक है? तुम बीमार नहीं हो बेबी? दिन भर तो खाली लेती रहती हो प्रोटीन विटामिन, खाली डिब्बा से निकाल निकाल के खाते रहती है। निकी की मम्मी। ये रही मान्या दीदी, सुबह उठ के फोन चला रही है और कोई काम नहीं है। मार देंगे टाइम। बट ये है कि हमको बताओ तुम। हाँ थोड़ा सा दे दो ना, कैंची लगाओ। कैंची छोड़। अच्छा तो गाइस, और हम लोग आज जाने वाले हैं कहीं, 12 बजे जाना है तो जाने भी आएंगे हम लोग के घर, तो हम लोग सब साथ में जाएंगे। और चाहिए और जहाँ जाएंगे आप लोग को बताएंगे, जब पहुँच जाएंगे तो बताएंगे, ठीक है गाइस? एंड बाय बाय। ए गाइस, तो एनी को आप देख सकते हो, उसका रिएक्शन क्या है। एनी क्या कर रही हो? तो गाइस सब चाट खा रहे हैं, चाट हम बनाए हैं सुबह सुबह। झूठी झूठी ग्रेवी और चाट का मिक्सचर हम ही बनाया है ना, एकदम बाहर वाला चाट। गाइस तो यहाँ तानी वानी दी, ये सब रेडी हो रही है, अभी सब थोड़ा खा के जाएगा, वहाँ पे भी सब ठूसेगा। और तानी अभी अपना जूता पॉलिश कर रही है, और मैं भी रेडी ही हो गया। गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं सब लोग, तो हम कैसा गाना लगाएंगे? तो हम लोग जा रहे हैं, चलो नहीं चलो बाय बाय। तो गाइस हमर एनी जा रहे स्कूटी से, वो लोग नेक्स्ट टर्न में आएगा। और आप लोग बताओ मेरे लुक कैसे लग रहा है? मैंने बाल कटवा लिया है, बहुत पहले कटवाया, मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी इसलिए नहीं दिखा पाई। और चलिए चल के बात करते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और वेट कर रहे हैं दीदी का। यहाँ गाड़ी बहुत चल रहा था, आवाज नहीं आ रहा था। गाइस एनी को देखिए, एनी दिखाओ हटा के ली प्लीज। एनी कैसे कर रही हो? तो गाइस एनी को देख लीजिए, यहाँ पर हवा खा रही है जबकि ये छाया में खड़ी है, तब भी इसका ड्रामा चालू है। और इधर एक आदमी को देखिए, हम लोग वेट कर रहे हैं, हमेशा लेट होते हैं ये लोग। गाइस ये लोग आ गए, पापा ही बोल के गए कि यहीं खड़े रहो, हम लोग वेट कर रहे थे तुम लोग का। दीदी स्टार्टिंग में जब वो चीज बोलते तो सुनती नहीं, नहीं मम्मी पता है यही कह रही थी क्या के बताते। ओके गाइस तो चलिए चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं, देखिए गाइस मैं सबसे आगे हूँ और मेरे पीछे हैं दो बंदर, तीन बंदर, चार बंदर। और जानवी दी आज पहले पहुंच गई और वेट कर रही है। हम लोग आज सुनेंगे हम लोग सब गाने थोड़ा थोड़ा जानवी दी से, पिछली बार हम लोग लेट की थी तो हम लोग बोले थे हम लोग, तो इस बार वो बोलेंगे। तो आप लोग ने देखा था दीदी पहले कुछ और पहनी थी, इसलिए मम्मी गुस्सा हो गई थी, और कोई कपड़ा नहीं मेरे पास पहनी थी, फिर मम्मी इसको निकाल के दी तो ये पहनी है अभी, तब आई इसलिए इसको लेट हुआ। हम लोग इतना देर से वेट कर रहे थे। और मेरा भाई, हम दोनों आपको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पर्पल पिंक, हम दोनों तो आपसे मिलकर बात करते हैं। Thank you.
दुकान में गई है क्योंकि दीदी का सैंडल टूट चुका है फेवी क्विक यानी तो मुनाजा दी आ रही है अभी, उनका वेट हो रहा है। गाइस हम लोग अभी यहाँ वेट कर रहे हैं मुनाजा दी का, सामने से आएंगी एंड लेट हो रहा है सबका, हम लोग ज्यादा की वेट कर रहे थे। दुकान में वो दीदी के फोन में ले ले क्या, दुकान में वो दीदी के फोन में ले ले वीडियो। ओके तो मुनाजा दी आ चुकी है, मुनाजा दी आ चुकी है, क्या चालू हो गया इसका, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रही थी पहले बता दो, कोई फिक्स नहीं है अभी, डिसाइड ही नहीं है कहाँ जाना है लगा। तो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं साइंस सेंटर, साइंस सेंटर के बाद फिर हम लोग शायद जाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुँच के आपसे बात करते हैं, वरना यहाँ गाड़ी वाला ठोक देगा हम लोग। दो लोगों का बाल देखिए एक मिनट, ये देख सकते हैं, बस आप लोग नजर मत लगाइएगा। और यहाँ देखिए तीन त्रिदेवियाँ, सुंदर सुंदर। ठीक है चुके हैं, अब हम लोग को सबसे पहला काम है कि टिकट कटवाना है। तो पहले यहाँ से हम लोग टिकट कटवाएंगे और फिर यहाँ से एंट्री है। तो गाइस यहाँ हम लोग टिकट दिखा रहे हैं, फिर एंट्री मिलेगा हम लोग सबको, वेटिंग। चलो चलो, तो गाइस ये है पटना साइंस सेंटर, यू कैन सी इट, श्री कृष्णा विज्ञान केंद्र। तो गाइज लेट्स गो टू एंजॉय दिस ट्रिप विथ आवर सो स्पेशल वन बंदा। तो गाइज ये जो ट्री है अगर आप क्लैप करोगे तो ये लाइट जलता है इसमें, देखिए क्लैप कर रहे हैं तो लाइट जलेगा। तो गाइज ये अगर नीचे से हाथ रखेंगे तो देखिए हाथ का प्रिंट आएगा, ये देखिए बहुत काटा जैसा कर रहा है, आया ना। मानी डाल रही है अपना हाथ, गड़ता है हल्का हल्का। तो गाइज नेक्स्ट ये है, दिस इज बटरफ्लाई इफेक्ट। ये है लीव योर शेडो बैंड, इसके अंदर जाना है और अपना शेडो दिखेगा तो मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी हम लोग ये देख रहे हैं, ये है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। सो जो हम लोग बेसिकली स्कूल्स में कितना पढ़े हैं, ये लोग को देखिए बैठ के वेट कर रहा है इसके अंदर घुसने का। गाइस चलिए चलते हैं। मम्मा कैसे होगा, लाइट बंद करो, करना वहाँ वहाँ से लाइट निकलेगा। अरे वो लाइट ऑटोमेटिक चलेगा, नहीं होगा अभी तक लाइट निकला नहीं। लाइट निकला और यहाँ पर इसका शेडो बन गया वो, ये देखिए अच्छा है। एंड ये है गाइस क्रैक शॉट, यहाँ पर देख सकते हैं लोग निशाना लगा रहा है, अंश वेटिंग लाइन में खड़ा है। गाइस ये मैजिक टैप देखिए, इसमें से पानी गिर ही नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा गिरा पर ज्यादा नहीं, कुछ तो कमाल है ना इसके अंदर। पानी कहाँ से आ रहा है, हाँ तो कहाँ से आ रहा है बताओ। ये एक इल्यूजन है जो जिसमें ना वो जो पानी गिर रहा है, हाँ, उसके बीच में ना एक पाइप है छोटा सा जिससे पानी आ रहा है उसमें, और वही गिर रहा है जिससे पाइप दिख नहीं रहा है। ओ, देखो और वो नल बंधा हुआ है ऊपर धागा से, नहीं तो पानी कहाँ से आ रहा है उसमें, पानी उसमें पाइप लगा हुआ है जिससे पानी अंदर। तो गाइस ये है राइजिंग बबल, मैं आपको दिखाती हूँ।
आंच करो, आंच अगर वो उसको करेगा तो यहाँ से बबल निकल रहा है। बाल जा रही है यहीं पर शुरू हो गए। और गर्मी तो बाप रे बहुत लग रही है यार। टॉकिंग टॉम भी है तो एनी अब टॉकिंग टॉम से बात करिए। एनी बोलो हेलो। इतना हल्ला है कि आवाज उसका नहीं आ रहा है। गाइस चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर। तो गाइस ये चिल्ड्रन गैलरी बस यहाँ बच्चा जा सकते थे, एनी जा रही है। क्यूट लग रहा है तू। गाइस अब एनी चलाएगी बाइक। तो गाइस अभी एनी डालेगी पैसा और ये बाइक चलने लगेगा। इतना सस्ता बाइक तुम देखे ही नहीं थे। खतरों के खिलाड़ी वाला सीन देखिए, इसमें से इसको निकालना है और यहाँ पर न सेकंड्स में इसको यहाँ तक ले आना है। नहीं हो पाएगा, उसे छोड़ दो। चलिए निकलते हैं इस चिल्ड्रन वाले से। गाइस अब हम लोग देखते कैसे लग रहा है। ठीक तक गंदा लग रहा है। हाँ बहुत गंदे लग रहे हैं बॉयज, दम डांसिंग। बस तो पेट निकला हुआ लग रहा है। गाइस भाई भाई को देखिए कैसे लग रहा है। बहुत हट, ये देखिए गाइस मैं कितनी लंबी हो गई हूँ। ये भी आप है 3D शो का टिकट। तो गाइस नॉर्मल कैमरे की है। तो गाइस ये है इमेजेस ऑफ बिहार, यू कैन सी दिस। एंड ये अर्थ जो घूम रहे हैं एंड ये गूगल ऑफ अर्थ। सो गाइज बहुत सुंदर, यह 3D शो है जो ये लोग जाएंगे क्योंकि बस 5 टिकट मिला तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। एंड ये फनी पेंटिंग, यू कैन गेस कौन है ये, मोनालिसा हंस रही है। हंस दे बहन, हंस दे
तो देखी। सो गाइस सब जगह मेरे थे, बस आप लोग देख सकते हो मेरे इसमें घूम जाएंगे। कहाँ है कुछ गाइस, हर जगह मिरर मिस। ये तो गाइस आप लोग बुला जाओगे दीदी, बस बचाते ले चलना, कहीं लड़ा मत देना। आओ इधर इधर, अरे इधर चलना है, चलो पागल हो। तो लड़ा इधर का ये लोग इधर ही है। तो गाइस मिल गई है लोग, हम लोग पता है हमको लड़ा दी सब शीशा में। गाइस ये है खाली बस सिर्फ एंड एनी। तो गाइस मैं चल के दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ से घुसना है, तो गाइस आप इसमें जाओगे तो आपका बॉडी नहीं दिखेगा, बस सर दिखता है। सी एंड ये है, बाप रे बाप लगी, घुसो। तो गाइस इसमें आप सर डालिएगा तो ये घूमेगा पूरा, यानी हाथ रखो ना उस पर। यहाँ स्टूडेंट के पास ही सब, टीचर के पास ही सब कूद कर भाग गए हैं। सीपी सर जान रही, सीपी सर का क्या हुआ था? तो गाइस मिकी माउस बोलेंगे तो क्या होगा? अच्छा जिस मिरर के सामने तुम जाओगी उधर का लाइट जल जाएगा। अच्छा हम लोग यहाँ पे है तो ये वाला, और जब हम यहाँ पे आ जाएंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत छोटा सा है मगर गाइस इसे देखिए, पूरा ये टीचर और ये स्टूडेंट्स है इसके दो। हम लोग ब्रेक लिए गाइस, तो अभी पानी पियेंगे हम लोग सब बैठ के, और क्या करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे, तो चलिए थर्ड फ्लोर पे देखते हैं क्या क्या है।
क्या? डार्विन। कौन है ये? तो ये है डीएनए। पर ये डीएनए कैसे है दीदी? डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर बना है। आइए देखिए हमारे बिहार में कितना गंदा गंदा जगह है। आइए, ये ना साइंस सेंटर का रिव्यू दे रही है, खराब खराब। ये कोई आया भी नहीं बताइए। वेस्टिकल ऑर्गन्स, सो देखिए ये है दांत, प्लीज आप लोग देख सकते हैं। और ये पता नहीं क्या है, हाँ इतना छोटा। वाओ मानी वाओ, नहीं पीछे का है वो है। तो गाइस, और ये है, ये देखिए एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रोलॉजी। तो ये गाइस यू कैन सी ना, बायो स्टूडेंट मिलते हैं गाइस, तो यही होता है यहाँ। क्या दीदी क्या बोलते, ये है कि हम ह्यूमन कैसे बनते, प्रोसेशन ऑफ लाइफ। सो गाइस सी, अब 3D शो चालू होने वाला 3 बजे से है, पर टिकट 5 ही है और हम लोग ज्यादा है, तो हम मानी जानी दी नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ने देख चुका है पहले 2-3 बार आए थे। तो और जो लोग नहीं दिखे इस बार वो लोग जाए 3D शो देखने, क्योंकि टिकट बस 5 ही था वो बोले अवेलेबल, दैट्स व्हाई वही लोग जाएंगे 3D शो देखने। फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। गोल्ड बॉडी, 3D शो छूटेगा, चलो 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 3D शो। और ये 4th फ्लोर भी है, बट हम लोगों ने पता 4th फ्लोर पे होता क्या, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ नहीं, पर आगे 3D शो छोड़ना है, नहीं चलो वहाँ से आते हैं। तो गाइस जान भी दी आप लोगों को साथ में रेटिंग भी दे रही है कि आप लोगों को यहाँ घूमना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो आना चाहिए थोड़ा मजा करने के लिए। बिग बॉस की आंख, मुझे मिल गई बिग बॉस की आंख, ये बिग बॉस की आंख। गाइस चलिए चलते हैं, ये लोग जा रही 3D शो देखने। आशु
है ना, और अब हम लोग सबसे नीचे जा रहे हैं, उसके बगल में भी बहुत कुछ है तो वहाँ उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस अंदर का हम लोग सब कुछ घूम लिए हैं और अभी इधर जा रहे हैं कुछ किड्स टाइप, नहीं इधर मतलब बहुत झूला टाइप का, तो थोड़ा झूला झूल लिया जाए। उसके बाद वो लोग भाग गए उधर देखिए, तो गाइस वो लोग झूला मार रही है बच्चों से, नहीं नहीं मिल गया। तो गाइस चलिए झूला झूलते हैं। झूला से उतार दिया गया बेइज्जती। बुशरा दी और दीदी जानवी और मुनाजा दी, कौन छुटा दिया मुनाजा दी, स्ट्रगल कर रही थी। तो गाइस सब उतरने के बाद भी ये लोग नहीं उतरे और ये लोग अभी तक झूल रहे हैं सीट पे। मैं अभी मानी का फोटो खींच के आती हूँ। मैं खींचो खींचो तो 20 केजी है, उठी नहीं, चलो मुनाजा खींचो खींच ली, जानवी भी खींच ली, वो तो अटकेगा, वो थोड़ा पूरा ऊपर आएगा। So guys, ये लोग ये दीदी है, मुनाजा दी, जानवी दी, बुशा दी और ये लोग का इधर शूटिंग हो रहा है। गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं, अब हम लोग चाहेंगे उधर थोड़ा सा कुछ पार्ट है और एक थंबनेल के लिए पिक खरीदेंगे। अंशु इधर चलो, इधर एक चलो दिखाते हैं। तो गाइज हम लोग का फाइनली खत्म हुआ साइंस सेंटर का घूमना, तो अब हम लोग निकल रहे हैं, तो फिर निकल के जो लोग जो इसको जो खाना है तो देखिए, ठीक है गाइस तो चलिए चलते हैं। और ये हम निकल गए, बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी हम लोग ने जो बैठ के 3D शो जब तक उन्होंने देखा जो टाइम काटा है, झूठ बोल रही है दिल पे हाथ रख के बोलो, बहुत अच्छा था, ठीक ठाक था पर गाइस सबसे कठिन वक्त वो आया जब हम लोग को 15-20 मिनट इधर से उधर बकवा रहे थे क्योंकि 3D शो में चली गई है। हमने 2 सब्सक्राइबर ऐड था, उसमें 2 हम लोग ने सब्सक्राइब चैनल करवा दिया। गाइस टैलेंट होता है ये भी, एक सब्सक्राइब करवाना बोलना भी। तो गाइस बहुत आगे निकल गए हम लोग, जाइए। तो गाइस अभी अंश खाएगा आइस गोला, तो आइस गोला बन रहा है, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे कुछ कुछ, तो खट्टा आम फ्लेवर अंश ने चूज किया और वो बनेगा अभी। तो गाइस लेट्स सी कैसे बनता है। गाइस ये देखिए कैसा है अशु, अच्छा। तो गाइस अभी ये लोग गुपचुप खाएंगे, हम सब ने अपने अपने हाथ में ले लिया है कटोरा। हाय बाय 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 बाय, मेरा मास्क दो। तो गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाके आप सभी से फिर बात करते हैं, बहुत थक गए हम लोग तो, हम जानी थी तो बहुत ज्यादा, हम लोग तो कैंटीन बहु आ गए। सबसे पहली बात हनुमान, तो घर आ गया, अब हम लोग फाइनली चल रहे हैं घर को पहुंचने वाले। गाइस तो हम लोग घर आए, तो मैं अपना कपड़ा बदल लिया हूँ और अभी माँ बना के हम लोग के लिए होममेड बनाई है रसगुल्ला, यूट्यूब पे मैं जो देखती हूँ उसका आज
एक रेसिपी बनाई है। गाइस घर आने के बाद मैं सो गई थी, फिर अभी उठी हूँ और अभी आए हुए श्रीनी दीर उन्नीफा लाइट मामा गोइन बाबा, तो मैं आप लोग को मिला देती हूँ। हट जाओ रुन्नीफा मम्मी ललित मम्मा, हाय श्रीनी दी, और हम आई रही है दो मिनट, हटो मार देंगे तानी एक। तो गाइज मैं अभी बना रही हूँ मैगी और मेरा मैगी चढ़ा हुआ है, मैं मैगी चढ़ा के चली गई थी, ओ माय गॉड मेरा मैगी बॉयल होने लगा। तो गाइज सब लोग चले गए हैं और रात हो गया उस टाइम भी, तो अभी खाने में बना है अंडा कड़ी, तो एनी बैठ के खा रही है और आइसक्रीम भी आया है, तो पहले मैं एनी को नमक दे देती हूँ, उसको नमक चाहिए, बिन नमक के उसका खाना नहीं होता। गाइज एनी खा रही है अंडा कड़ी और अंश का भी खाना आ चुका है, बेचारे को होमवर्क भी बहुत बना रहा था।